तो सर्विस सेंटर वाले ने बोला है कि यहाँ से हमें 7 दिन के बाद चार्जर मिलेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग चलने वाला आईफोन स्टोर, सॉरी यार, आईफोन सर्विस सेंटर, क्योंकि मेरा आईफोन 16 का चार्जर ख़राब हो चुका है भाई। 3 दिन में उसका अडाप्टर में प्रॉब्लम आ गया, फोन चार्ज स्टार्ट ही नहीं हो रहा। और ऐसे भी पटना में भाई आईफोन का सर्विस सेंटर बहुत कम है, और एक दो तो मुझे पता है, तो चलिए अभी चलते हैं। यहीं पे होगा हम लोग का काम। ये रहा जीबी मॉल का पर्ची, पार्किंग का 10 रुपया, बाइक का टिकट। हम आराम से भैया, काटते कैसे? पहले बुक कैसे होगा? तो भाई अभी हम लोग आए थे, बट इसमें एक स्लॉट बुक करवाना पड़ता है। ये सब भांग भोस रहा है, ना काम करने का मन करता है, तो बोलता है कि स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा, ये बुक करवाना पड़ेगा, वो बुक करवाना पड़ेगा, साला ही सब बखेरा है इसका। तो भाई हमारा जीबी मॉल में काम नहीं बना। जीबी मॉल नाम का जीबी मॉल रहा, तो हम लोग को यहाँ से दूसरा जगह का लोकेशन बता दिया गया, डकबंगला चौराह के पास है, एनपी सेंटर कोई है, वहीं पे हमें जाना है, और वहीं पे हमारा आईफोन का एडाप्टर या डाटा केबल जो भी वो चेंज होगा वहीं पे। ये बेकार, यहाँ हम लोग का बोर्डिंग रोड आना बेकार हो गया एक टाइप से, मतलब वेस्ट हो गया भाई, वेस्टेज। तब हम लोग अभी जा रहे हैं एनपी सेंटर डकबंगला। तो यहाँ से भाई यहाँ पे बोर्डिंग रोड आने का मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक होना, कॉमन सी बात है भाई। यहाँ ये देखो, और ये देखिए नज़ारा, फाउंटेन, देसी फाउंटेन, और ये रहा ब्लैक स्कॉर्पियो भाई। हम लोग तक बंगला निकलते हुए सीधे, स्प्लेंडर तो माफिया है भाई, बिहार का बहुत ज़्यादा, अदर स्टेट में स्प्लेंडर बहुत चलती है। हाँ, एमपी सेंटर यही है, यही एमपी सेंटर। तो हम लोग एमपी सेंटर आ चुके हैं, और यहाँ भी हमारा काम होता है कि यहाँ से भी हमें तकलिया कर दिया जाता है भाई। तो हमारे अजीत भाई चलते हुए पुराना 90s का सीरीज है भाई, काफ़ी दिन बाद इसका सीरीज देखने को मिला 90s वाला। थक 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 भाई सीरीज। तो हम लोग आ चुके हैं आईफोन सेंटर पे। तो गाइस हमारा यहाँ भी काम नहीं बना, मतलब काम बन चुका है, तो सर्विस सेंटर वाले ने बोला है कि यहाँ से हमें 7 दिन के बाद चार्जर मिलेगा। एनपी पहले से हमें 7 दिन बाद चार्जर मिलेगा, तो हमें 7 दिन के बाद, फिर से 1 वीक के बाद हमें यहाँ पे आके हमारा चार्जर को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस क्या 7 दिन में हमारा आईफोन चार्ज रह सकता है? मतलब एक 110 चार्ज में 7 दिन आईफोन चल सकता है क्या? बिना ये रेगुलर बेस पे हमें फ़ोन यूज करना ही रहता है, वीडियो बनाने के लिए भी या रिकॉर्ड करने के लिए। तो 7 दिन तो बहुत ही बड़ा टाइम दे दिया, बट कोई ना, तब हम भी निकल रहे मामा के घर।